जैसा कि आप लोग को पता है कि हॉलीवुड और बॉलीवुड में दोनों में काफ़ी हॉरर फिल्में बनती रहती हैं। इनमें से कई रियलिटी का भी दावा करती हैं, लेकिन 2014 में एनाबेलन नाम की डॉल पर बनी हॉरर मूवी, इस फिल्म में जिस डॉल की कहानी दिखाई गई थी वह असल में भी मौजूद है। और सच्चाई भी यही है कि एनाबेलन नाम की एक डॉल थी जो कि बेहद ही डरावनी थी। हालांकि इस डॉल की असली कहानी फिल्म में दिखाई गई कहानी से कई गुना ज़्यादा डरावनी थी, जो कि आज ऑकल्ट म्यूजियम में रखी गई है जो कि इंग्लैंड में स्थित है। इस डॉल से जुड़ी असल घटनाएं साल 1970 की हैं। इसी दौरान पहली बार दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन को इस डॉल से जुड़ी डरावनी घटनाओं के बारे में पता चला था। वॉरेन के मुताबिक 1970 में डोना नाम की एक लड़की को उसकी मां ने बर्थडे पे यह डॉल गिफ्ट करी थी। नर्सिंग की पढ़ाई कर रही डोना उस वक्त अपने फ्रेंड के साथ रहती थी। पहले तो सब घर में ठीक रहा, लेकिन कुछ समय बाद अचानक घर में अजीबोगरीब एक्टिविटीज होने लग गई थी। डॉल में अपने आप ही मूवमेंट होने लग गए थे, वो कभी भी अपनी जगह पे नहीं मिलती थी, यहाँ तक कि कई बार डॉल दूसरे कमरे में मिलने लग गई थी। इसके कुछ ही दिन बाद घर में जगह जगह हेल्प मी के मैसेज दिखाई देने लग गए और डोना का डर तब और बढ़ गया जब उसने एनाबेला के पेट पर इंसानी खून को देखा। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वॉरेंस को कई बार इस डॉल पर भी खून के धब्बे दिखाई देने लगे थे, लेकिन इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। डॉल की इन खतरनाक एक्टिविटीज को होते लड़कियों को कई बार इससे छुटकारा पाने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार यह डॉल उनके घर के अंदर ही मिलती थी। डॉल ने कई बार डोना और उनकी दोस्त एनजी पर हमला भी किया था, यहां तक कि डोना के दोस्त लू को जान से मारने तक की कोशिश भी की थी इसने। लॉरेन के मुताबिक इतनी घटनाएं हो जाने के बाद भी आखिरकार डोना ने उससे संपर्क किया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि डॉल के अंदर एक शैतानी आत्मा छिपी हुई है और वह अपने लिए किसी इंसानी शरीर की तलाश में थी। इसके बाद एड और लॉरेन ने डॉल को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। ड्राइविंग के बाद कई बार उनकी कार और ब्रेक के स्टीयरिंग भी फेल हुए। लॉरेन ने बताया कि म्यूजियम में लाने के बाद से ही एनाबेला को एक ग्लास कांच में बंद करके रखा गया है, जिस पर मंत्रों के जाप किया गया है, जिनकी वजह से बुरी आत्माएं एक जगह फंसी रहती हैं। आपको इस एनाबेला डॉल की कहानी सुनकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।